ही मोक्ष हो। ऐसी मंगल भावना पूर्वा नमो हरि नमो नमो के महान ज्योतिर्घर महोपाध्याय श्री कौन यशो विजय जी महाराज को किसी मोक्षार्थी जिज्ञासु मुमुक्षु आत्मा ने मानो की एक प्रश्न किया हो कि हे भगवान, आपने बहुत छोटी उम्र में दीक्षा लेकर के अपनी कुशाग्र बुद्धि और तीव्र स्मरण शक्ति के द्वारा जैन और जैनेतर आगम शास्त्रों ग्रंथों का तलस्पर्शी अध्ययन किया। पांच एक साल की छोटी उम्र में तो सुनकर जिनको भक्तावर सूत्र कंठस्थ हो गया था, ऐसे छोटी उम्र में आगे दीक्षा ली। ऐसे उपाध्याय जी भगवान को पूछा गया कि भगवान, आपने अपने जीवन में चक दर्शनों का अभ्यास किया, कितने सारे ग्रंथों की रचना भी की, बुद्ध ने स्वयं सैकड़ों ग्रंथों की रचना की, तो इतना अध्ययन अध्यापन और ग्रंथ रचना आपने की कि शास्त्र रूपी महासमुद्र का मानो कि आपने मंथन किया, तो आपको जो सार मिला हो वो कृपा करके हमको अति संक्षेप में समझाने की कृपा करें। हमारी बुद्धि और क्षयोक्षम इतना कमजोर है कि अभी सुनते हैं अभी भूल जाते हैं, तो विस्तार से आप कहेंगे तो हमको याद नहीं रहेगा, इसलिए जितना हो उतना अति संक्षेप में हमको अपने अपने पूरे जीवन में जो साधना की, जो शास्त्रों का अध्ययन किया, उसका अर्थ, उसका निचोड़, उसका सार हमें समझाने की कृपा करें। तब मानो उनका प्रत्युत्तर दे रहे हों ऐसे उपाध्याय जी भगवंत ने इस श्लोक में क्या कहा है, सारं एतन् मया लब्धम्, मुझे यह सार प्राप्त हुआ। किसका सार? श्रुताब्धे अवगाहना, श्रुत माने शास्त्र रूपी अवधि अर्थात समुद्र, उसमें अवगाहन करना अर्थात उसके तल में डुबकी लगाना, जैसे मरजीवा होते हैं ना पानी के समुद्र की गहराई तक जाते हैं और वहां से क्या लाते हैं, सच्चे मोती और रत्न वगैरह लाते हैं। इस प्रकार से शास्त्र रूपी महासमुद्र में गहराई से डुबकी लगाने से मुझे जो सार प्राप्त हुआ है वो आपको केवल अर्धे श्लोक में ही, एक श्लोक भी नहीं आधे श्लोक में बता देता हूं। आप
तो जानना है यानी फिर उसका आचरण भी करेंगे ना, केवल जान करके संतोष नहीं मानेंगे किंतु उसको अप्लाई करेंगे, प्रयोग में लाएंगे और हम भी उसका अनुभव करेंगे तो ही सुनना सार्थक होगा। तो आगे बताते क्या है, भक्तिर भागवती बीजम परमानंद संपना, परम आनंद रूपी संपत्ति, जो हम सभी चाहते हैं ना, सभी को आनंद सुख शांति आनंद चाहिए, वो भी कैसा चाहिए, परमानेंट हमेशा टिक रहे, और कैसा चाहिए, प्योर चाहिए, इसमें जरा भी दुख का मिश्रण न हो, परमानेंट प्योर, और कैसा चाहिए, स्वाधीन चाहिए, पराधीन नहीं, तो ऐसा आनंद और परम आनंद चाहिए, माने जिससे बढ़कर दूसरा कोई आनंद हो, उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट और कायम टिके ऐसा, और जिसमें दुख की तनिक भी तनिक उसका मिश्रण न हो, ऐसा परमानेंट प्योर और परम आनंद सबको चाहिए। तो उसका किसकी चाबी बताते हैं, मास्टर की रामबाण उपाय बताते हैं, केवल दो शब्दों में, अभी तो आधा श्लोक में भी आधा कम हो गया, भक्ति भक्ति बताई, लेकिन भक्ति किसकी, माता जी की, मेलडी माँ की, रामदेव पीर की, भागवती, भक्ति भागवती माने भगवान की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, प्रभु की भक्ति, अर्जुन परमात्मा की भक्ति, जिनेश्वर भगवान की भक्ति, वो क्या है, बीजम बीज है, जिस बीज में से वृक्ष होता है, फूल और फल मिलते हैं, आम का आम खाना है तो पहले उसका बीज बोया जाता है, भले आप लोग बाजार में से तैयार ले आते हैं, लेकिन पहले कोई भी उसको तो बीज पावनी करता है, वपन करता है, बीज बोता है और धीरे धीरे वृक्ष और फल और फूल और फिर हम को मिलता है रस, उसका घटाघट 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 करते हैं। तो परम आनंद जो जीव मात्र को चाहिए, उसका उसकी चाबी कहो, मूल कहो, उसका मुख्य उपाय कहो, क्या है, भगवान की भक्ति। और मोक्ष को पाने के लिए, परम आनंद को पाने के लिए महापुरुषों ने ऐसे तो अलग अलग कई उपाय बताए हैं, क्योंकि हरेक जीवों की भूमिका भिन्न भिन्न होती है, सभी को एक ही उपाय, रुचि सबकी अलग अलग होती है, किसी को रोटी, किसी को परोठे चाहिए, किसी को पूरी भाती है, किसी को लड्डू, किसी को सीरा, अलग अलग चॉइस होती है ना, इसलिए शास्त्रों में भी ऐसे परम आनंद को पाने के लिए अलग अलग अनेक उपाय बताए हैं। अलबत्त वो उपाय एक दूसरे से विरोधी नहीं है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन सबकी स्थिति अंतर स्थिति सबकी संस्कार सबके अलग अलग होते हैं, जबकि भूमिका अलग अलग होती है, इसीलिए अलग अलग उपाय बताए हैं। देखो ये अपने भारतीय बहने कितनी तपस्या करते ही रहते हैं ना, थोड़ा दिन हुआ अभी उपवास, वो भी चो भी यार उपवास, कोई छठ कभी तेला, अभी ओलियां बड़ी बड़ी तीन तीन ओलियां साथ में कर दी ना, लेकिन सबकी शक्ति तो ऐसी नहीं है, आज तो बड़ा दिन है ना, हाँ तो फिर आज तो कुछ क्या होगा ना, आपकी कल हुई किसी का आज है, कोई बात नहीं, तो कल किया था, क्या किया था, उपवास किया था, तेरस बेरु तरस को किया था, इसलिए ऊपरा ऊपरी नहीं हो पाया दोनों, वो तो मका तो बेला तेला करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तपस्या की शक्ति सबकी समान नहीं होती, उसके लिए शरीर बल भी चाहिए, और शरीर बल से भी ज्यादा कौन सा बल चाहिए, मनोबल चाहिए। दुबले पतले भी देखो ना, अपने हंस रत्न सूर्यमाज 180 उपवास चौथी बार कर रहे, क्या शरीर इनका ऐसा है, ऐसा सिंगल बॉडी है, फिर भी इतनी तपस्या मनोबल और आत्मबल से कर सकते हैं। तो तपश्चर्या तपो योग उसको सब साधना नहीं कर सकते हैं, और ज्ञान योग उपाध्याय जी भगवान ने देखो इतनी छोटी उम्र में भक्तामर सीख लिया, हाँ इतनी सी छोटी उम्र में, 5 साल की छोटी उम्र में भक्तामर सूत्र कंठ सुन सुन के कर लिया,
इतना क्षयोक्षम सभी का नहीं होता है। हमारी इनको कैसी है गुरुवनु की विधि भी पूरी आती नहीं है। चैतन्य विधि की तो बात भी कहाँ करें। नवकार मंत्र भी तेरा शुद्ध आता है कि नहीं, वो भी एक सवाल है, उसमें भी गलतियां होती है। लिखना हो तो रस्व का दीर्घ दीर्घ रस्व कर लेते हैं, कहाँ जोड़ाक्षर होता है उल्टा सुल्टा कर लेते हैं। तो ऐसी हमारी स्मरण शक्ति और हमारा ध्यानावरणी कर्म का क्षयोक्षम बहुत कम है, इसीलिए ज्ञान योग में भी वो सभी के बस की बात नहीं है। दान देना हो तो दीपचंद गाड़ी रोज को लाखों का दान देते थे, करीब 5-5 लाख रुपयों का रोज दान देते थे। तो दान देना हो तो धन वगैरह की जरूरत पड़ती है, वो भी सबके बस की बात नहीं है। इसी की भावना होगी कि इच्छा महोत्सव ऐसा अभी होने वाला है, विमुख्य दाता बने, लाखना दाता बने, अथवा सुवर्ण दाता बने, रजत दाता बने, लेकिन सबसे बस की बात नहीं होती है। तो सबके अनुसार भले लाभ लेते हैं। तो और दूसरी बात ये भी है कि दूसरे जो योग है ना, तप योग अथवा ध्यान योग वगैरह, उसमें गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। ज्ञान मानो किसको बहुत अच्छा चढ़ता लाभ देता है तो उसका क्या क्या होता है अजीर्ण, ज्ञान का अजीर्ण क्या होता है मानो अहंकार। प्रदर्शन करने की भावना हो जाती है। किसको भावना हुई थी प्रदर्शन करने की, तो अपना स्थूली भद्र ऐसी महानानी, उनको भी अपनी बहनों के आगे अपना अपना चमत्कार दिखाने की भावना हो गई, सिंह का रूप ले लिया। तो फिर आगे ज्ञान नहीं मिला। और तप का अजीर्ण क्या होता है, कभी कभी सबको नहीं होता है लेकिन अगर पक्ष है क्रोध होता है। तपस्वी को क्रोध कभी कभी जल्दी आने की संभावना होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तप नहीं करना, तप के अनुसार करना और क्षमा और शांति समता पूर्वक तप करना। तप तो करना ही है लेकिन समता पूर्वक करना है। तप करिए क्षमता राखी घटमा। क्रिया कोई चुस्त क्रिया करते हैं सर एकदम अच्छी तरह, जो जो जब जो करना हो प्रतिक्रमण पूजा श्यामाई क्रोश वगैरह चुस्तता से करते हैं, लेकिन उसमें भी एक संभावना क्या है उसका अजीर्ण है कि दूसरे जो नहीं कर सकते हैं ना, ऐसी क्रिया नहीं करते हैं अथवा गलतियां करते हैं क्रिया में, तो उसके प्रति क्या निंदा का भाव आ जाता है। मगर जिसमें पतन की संभावना लगभग नहींवत हो और एक तो आसान से आसान मार्ग हो, आबाल वृद्ध सब कर सके, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग सब कर सके, चाहे कोई पढ़ा लिखा ज्यादा हो, कोई अंगूठा छाप हो, अनपढ़ हो, अपना सिग्नेचर सही खुद का नाम भी लिखना जिसको शायद नहीं भी आता हो, ऐसा व्यक्ति भी आसानी से जिसमें प्रवेश करके आगे बढ़ सकता है और उसकी टोच तक भी पहुंच सकता है। ऐसा सरलतम और जिसमें गिरने की संभावना तो लगभग नहीं हो समझ लो, तो ऐसा सरलतम मार्ग आसान से आसान मार्ग कौन सा है, भक्तिर भागवती, भगवान की परमात्मा की भक्ति। सभी छोटे बड़े अपनी अपनी भूमिका के अनुसार प्रवेश करते उससे आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटा बच्चा था, बच्चे मन के सच्चे, सुनो बच्चे, ओ वो मंदिर में जाता था चर्च में, जो क्रिश्चियन बच्चा होगा वो मंदिर में गया था, उसको जो बच्चा था बेचारा अभी केजी में पढ़ रहा होगा इस बात को समझो क्या होता है, जूनियर केजी सीनियर केजी, अभी तो बेचारा वो अल्फाबेट सीखता था ए बी सी डी ई एच ई बराबर ना, हाँ बोल तो बच्चे ओ आगे बोल ए बी सी डी ई एच जी आगे क्या है, यू भूल गई FPUVWFI। धन्यवाद, कितना अच्छा कितना अच्छा, वाह वाह।
25 अक्षर है, कितने 25 अक्षर है, 26 कितने हैं, 26 अक्षर सर बोल दिए, खाली भूख लगी थोड़ी तो खाली जा। हाँ तो वो चर्च में गया बच्चा और चर्च में क्या प्रार्थना की, एबीसीडी पूरी बोल गया और फिर गॉड को क्या कहा, मुझे दूसरी प्रार्थना बनानी आती नहीं है तो क्या करना, लेकिन आपको सब है सर्वज्ञ है सब जानते हैं तो आपको जैसी प्रार्थना पसंद हो वैसी बना लेना इसमें से। अगर तो ये एबीसीडी से अंग्रेजी में है तो एबीसीडी के, गुजराती हिंदी में हो तो इनके अक्षरों से ही सारी प्रार्थना, कितने अपने ग्रंथ हैं, सूत्र हैं, आगम हैं, शास्त्र सब आकर इन्हीं अक्षरों से बनते हैं ना। हे भगवान आपको जैसे ठीक लगे वैसी प्रार्थना आप बना लेना, मैं तो छोटा बच्चा मुझे तो ज्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन सभी प्रार्थनाओं का मूल जो है वो बारह कड़ी अथवा अक्षर वो आपको बोल दिया। तो छोटे बच्चे भी इस तरह हाँ भगवान की भक्ति अपनी भूमिका के अनुसार कर सकते हैं। और एक बार ऐसा हुआ, सुनो बच्चे सुनो 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 हाँ, क्या हुआ, एक बार दुष्काल पड़ा था, दुष्काल पड़ा था, भगवान को तब याद करते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो दुख आया, सामुदायिक दुख था, पूरे सभी समाज के ऊपर पानी दुष्काल पड़ा था। तो जाहिरात की गई सभी को, अमुक जगह पे धर्मस्थान में इकट्ठा होना है, समूह प्रार्थना करनी है भगवान को ताकि बारिश हो, दुष्काल दूर हो। तो सभी दोपहर का समय रखा था, अथवा तो समझो सुबह का समय होगा, 9-10 बजे का समय, तो सब लोग जा रहे हैं वो धर्मस्थान की ओर। इसमें ऐसे जैनम कुमार जैसा एक बच्चा भी था, उसने क्या किया था, अपने साथ में छाता लिया था, समझ गए, अम्ब्रेला, छाता को अंग्रेजी में अम्ब्रेला कहते हैं, छतरी भी कहते हैं हिंदी, वो ली थी। तो सबने पूछा, अरे बच्चा तुमने अभी ये छाता क्यों लिया है, अभी तो कुछ बारिश है ही नहीं, एक भी बादल दिखता नहीं है और धूप भी तो नहीं है अभी, तो धूप से बचने के लिए भी कभी कोई छाते का उपयोग करते हैं, वो भी नहीं है, तुमने क्यों लिया है। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया मालूम है, अनुमान से कर सकोगे तुम छाता क्यों लिया होगा, दुष्काल था, बादल भी नहीं थे आकाश में और सूर्य भी नहीं था, सवार का समय था, फिर भी छाता क्यों लिया होगा। देखो कौन सा बच्चा होशियार है, बोलो क्यों लिया होगा। वो लोग सब क्यों जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, धर्मस्थान में जा रहे थे, चर्च में समझ लो, तो किसके लिए जा रहे थे, प्रार्थना करने के लिए, कैसी कैसी प्रार्थना, ताकि बारिश हो तो फिर बारिश तो होगी तो फिर भूख जाऊंगा, मुझे सर्दी लग जाएगी, बुखार आ जाएगा, इसलिए मैंने छाता लिया है। देखो बच्चे की श्रद्धा कैसी थी, बड़े तो समझते थे ठीक है, व्यवहार सब जाहिरात हुई है तो जाएंगे, ऐसे थोड़ा बारिश होने वाली है, कोई श्रद्धा नहीं थी, जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, लेकिन श्रद्धा बहुत कच्ची थी और बच्चे की श्रद्धा सच्ची थी, इसलिए छाता लिया। तो इस प्रकार से छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक सभी अपनी अपनी भूमिका के अनुसार भगवान की भक्ति और प्रार्थना कर सकते हैं। और भक्ति में तो अचिंत्य शक्ति भरी है, क्या है, भक्ति में अचिंत्य शक्ति है। और भक्ति करना हो, प्रार्थना करनी हो, तो इसमें उपवास आंगेल की कोई कम हजियत है नहीं, तीन टाइम भोजन करते हुए भी आप भक्ति और प्रार्थना कर सकते हैं। और भक्ति करने में कोई पैसे का खर्च भी कोई होने फर्जियात नहीं है, कोई अपनी भावना हो सकती हो तो समर्पित करे कुछ भी हो अलग बात है, नहीं तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, अपने घर में बैठे बैठे भी प्रार्थना कर सकते हैं, मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं, राष्ट्र कहां पर भी किसी स्थान में हो, किसी देश में भी हो, किसी देश का भी वो व्यक्ति हो, गरीब हो या श्रीमंत हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बच्चा हो या बड़ा हो, पापा हो या मम्मी, सब भगवान की प्रार्थना भक्ति आसानी से कर सकते हैं।
इसलिए सभी दर्शनकारों ने भक्ति को सर्वोपरि मार्ग, सरल और सर्वोपरि मार्ग बताया है मोक्ष पाने के लिए। परम आनंद को प्राप्त करने के लिए भक्ति सरलतम और सर्वोपरि, सभी जो मार्ग उपाय साधन है उससे सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो ऐसी परमात्मा की भक्ति यहाँ पर उपाध्याय जी भगवान कहते हैं कि मैंने जो शास्त्र रूपी समुद्र का हमें अवधान दिया उससे मुझे क्या सार मिला कि भगवान की भक्ति करो। अगर आपको परम सुख शांति आनंद चाहिए, कहिए ना परम सुख परम शांति परम आनंद सभी को चाहिए, तो भगवान की भक्ति हर रोज करो। कब करो? हर रोज करते हैं भक्ति प्रार्थना। स्कूल में जाते हैं वहां भी तो प्रार्थना पहले होती है कि नहीं होती है? होती है। जरा बोलोगे कोई कौन सी कोई भी एक प्रार्थना बोलो ना, स्कूल में कौन सी प्रार्थना करवाते हैं? तो प्रभु आनंद दाता दान हमको दीजिए, शीघ्र सारे अवगुणों से दूर हमको कीजिए, दीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ओ प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। अलग अलग अनेक प्रकार की प्रार्थना की जाती है। सरस्वती सम्यक जानती अधिष्ठायिका सरस्वती माता की भी, वीणा वाली माता हमें ज्ञान देना, अधरों पे आके मां तुम्ही बस जाना, ऐसे अलग अलग प्रकार की परमात्मा की या श्रुत देवी की प्रार्थना होती है। उसी का उसी के संस्कार होते हैं जो बड़े होकर के भी वो बड़े काम आते हैं। हमारे जीवन में जो भी थोड़ी अच्छाई है ना, हाँ, उसमें ये स्कूल में प्रार्थना जो कराई जाती है उसके संस्कार भी काम करते हैं। लेकिन एक बात का बड़ा आश्चर्य होता है, वही बच्चे स्कूल में से कॉलेज में जाते हैं वहां प्रार्थना नहीं कराई जाती है। तभी तो कॉलेजों में कितनी गड़बड़े होती है ना सब, क्योंकि वहां प्रार्थना नहीं कराई जाती है। इसीलिए हर रोज प्रार्थना करनी चाहिए। देखो ना राष्ट्रपिता का नाम क्या था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। और पूरे देश की कितनी जिम्मेवारी, भारत को आजाद करवाना था तो कितने कार्य होते हैं, कितनी मीटिंगें होती है, फिर भी हर रोज क्या करते थे वो? प्रार्थना। अंग्रेजी में प्रार्थना को क्या बोलते हैं? प्रेयर। वो करना भूल के नहीं थे। और सप्ताह में एक बार क्या करते थे? मौन भी रखते थे। तो कितना भी कोड़ा बड़ा बड़ा अंग्रेज कोई अमलदार कोई वाइसरॉय आया हो तो भी मौन तोड़ते नहीं थे। और प्रार्थना तो हर रोज करते थे। वो तो कहते थे प्रार्थना तो आत्मा का खुराक है। इस शरीर को कितनी बार भोजन देते हो? कम से कम तीन टाइम तो सुबह दोपहर शाम, कोई को तो बाबू बैठो झप्पे जे आवे थे खपे, तीन के बदले 13 टाइम भी वो कभी कभी खाना पीना हो जाता होगा, लेकिन कम से कम 3 टाइम तो प्रायः सभी करते हैं ना। तो शरीर का भोजन 3 बार और आत्मा का खुराक भोजन है प्रार्थना और भक्ति परमात्मा की। वो तो एक बार भी करते होंगे कि नहीं करते होंगे? हम तो छुट्टी मिलती है तब करते हैं, रोज तो टाइम कहाँ, क्यों हम क्यों? हर रोज करनी चाहिए, सुबह उठ करके करनी चाहिए पहला काम, रात को सोने से पहले भी करना चाहिए। हाँ, जितनी बार खाए पिए कम से कम एकाध नवकार मंत्र का स्मरण तो करना ही चाहिए। करते हो भोजन से पहले एक नवकार तो कम से कम अब से शुरू कर दो। हाँ, हाँ, जितनी बार खाओ कम से कम एक नवकार, तीन नवकार। हाँ, जब हाँ, और जितनी बार पानी पियो उतनी बार भी एक नवकार, अथवा जल्दी हो समय कम हो तो नमो अरिहंताण, बस एक बार भी इतना बोल करके फिर ही कुछ में मुंह में डालना, इसके सिवाय नहीं। आज का होमवर्क यही देते हैं, बरोबर है? 24 घंटे में अभी आए, कितनी बार भी कुछ भी मुंह में डालें, खाएं या पिए, लेकिन पेन मुंह में नहीं डालना है भाई, पेन नहीं डालना है, पति का धागा मुंह में नहीं डालना है, अंगूठा नहीं डालना है, दूसरा कुछ भी मुंह में खाए या पिए इससे पहले या तो पूरा नौकार गिनो अथवा कम से कम खाएं तब तो एक कम से कम एक नौकार पूरा, अथवा
तीन नौकार गिनो तो और अच्छा, बारह नौकार गिनो तो और भी अच्छा, कम से कम एक नौकार तो जरूर गिनना। और पानी पीने से पहले भी एक नौकार, वो तो पानी भी क्या होता है, चार्ज हो जाता है, अभिमंत्रित हो जाता है, अमृत तुल्य काम करता है। पानी को भी नौकार मंत्र से मंत्रित करो। कई बार पहले भोजन के ऊपर भी ऐसे पानी थोड़ा छिड़कते हैं, नौकार स्मरण भगवान को स्मरण करके पानी छिड़कते हैं, क्योंकि वो पवित्र मंत्र के वाइब्रेशन उसमें जुड़े और वो खाना जिसके पेट में जाए तो सद्बुद्धि और सद्विचार और सद्भावनाएं स्फुरायमान हो। तो इसलिए खाने पीने से पहले, स्कूल जाने से भी, घर में से बाहर निकलने से भी पहले महामंत्र नौकार पंच परमेश्वरी भगवंतों का नमस्कार, उनका स्मरण करते हुए जाना चाहिए। तो रास्ते में जो कोई विघ्न आए, और परीक्षा से पहले तो करते ही होंगे, करते हैं ना, पेपर लिखने से, पेपर भी आपको अभी तो मौखिक ओरल एग्जाम चलती होगी, लेकिन बड़े बच्चे जब होते हैं तो पेपर लिखना है तो उससे पहले नौकार। तो इसलिए हर रोज नौकार, कदम कदम पे नौकार, पंच परमेश्वरी भगवंतों को याद करना चाहिए। ये हमारे व्यापारी भाई बैठे हैं, वो भगवान को कब याद करते हैं, वो क्या बोलते हैं, रेड पड़ती है दुकान पे अचानक छापा, सरकारी अफसर आ जाते हैं, पुलिस की रेड पड़ती है, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, तुमको बचा लेना, हे भगवान। हर रोज दुकान खेलने से पहले भगवान को याद करते तो शायद ये दिन न भी आता। ऐसा हुआ था एक बार, कोई अच्छी धर्मनिष्ठ श्रावक, और किसी ने पुलिस को चुगली की होगी तो रेड आई, तो जो भी कबाड़ थे ऐसे उनकी चाबियां ले ली पुलिस ने, और एक के बाद एक सब खोलने लगे। वो तो नवकार मंत्र के ध्यान में बैठ गए थे, तो हर रोज जपते थे, समझी हो, रेड पड़ी इसलिए, हर रोज वो तो परमात्मा की भक्ति करते थे और महामंत्र नवकार का स्मरण प्रतिदिन अच्छी तरह करते थे, तो रेड पड़ी तो भी चिंता नहीं, कुछ नहीं, पुलिस को कोई लाश भी नहीं। आजकल तो नहीं तो पुलिस को ऐसा, जो अफसर होते हैं उसको कुछ, चलो इतने लाख तुम्हारे, अब बताओ जल्दी फटाफट करो, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। वो भगवान नवकार मंत्र के स्मरण बैठ गए, ऐसा हुआ जिस कबाट में कुछ रुपये पैसे वगैरह थे ना, वो खोला लेकिन उनको कुछ लिखा नहीं, खोला नहीं, खोला तुरंत बंद कर दिया, बच गए। हालांकि वो प्रामाणिक ऐसे ही करते थे, कुछ गड़बड़ नहीं करते थे। परमात्मा का सच्चा भक्त होता है वो व्यापार भी नेकी से करता है, प्रामाणिकता से करता है, दो नंबर का धंधा वो नहीं करता है, तो उसको कोई भय चिंता टेंशन रहता ही नहीं है। तो और नेता लोग जो होते हैं वो भगवान को कब याद करते हैं, नेता लोग, बच्चे लोग परीक्षा आने पर करते हैं, व्यापारी लोग रेड पड़ने पर करते हैं, और नेता लोग चुनाव आता है चुटनी, उसमें भी जब वोट की गणतरी होती है तब खांसी भगवान ऐसा सोच करो। तो भाई तो भगवान तो सुखमा समरो, दुखमा समरो, समरो दिवस ने रात, जीवता समरो, भरता समरो, समरो संसार। तो चलो सभी साथ में अभी स्मरण करेंगे मिनट के लिए, चलो आंखें बंद करेंगे। अरिहंत अरिहंत, पहले सुनो, आठ बार सुनो फिर आठ बार रिपीट करना। अरिहंत अरिहंत, अरिहंत अरिहंत, अरिहंत अरिहंत, अरिहंत अरिहंत, बोलो अरहं 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 अरिहंत 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 अरिहंत। तो दूसरा होमवर्क ही देते हैं आज, यहाँ से घर पहुंचो ना तब तो आप मौन पूर्वक जाना है, और साथ में मन में ये अरिहंत अरिहंत का स्मरण लयबद्ध रूप से करते करते जाना है,
याद रहेगा करेंगे तो आज एक दिन के लिए कम से कम। हाँ हाँ, यहाँ से घर पहुंचो तब तक चाहे अरहम अरहम अभी करो अथवा हरिहन तालबद्ध रूप से हरिहन, जैसे पांव भी चले उसी लय में हरिहन हरिहन हरिहन, इसी प्रकार से करना है जितना उतना अधिक से अधिक करना है। पहले मेरे ख्याल से आपको एक उदाहरण दिया था वनमाड़ी दास भावसार अहमदाबाद हफ्ति सिंह के बावन जिलालय के पास रहने वाले उपासक के कमरे में रहने वाले वनमाड़ी दास भावसार जैनिंग के जन्म से लेकिन श्रावकों के और साधु संतों के परिचय से जैन धर्म उत्कृष्ट पालन करते थे। वो हमेशा पूरी मठ एक काटना ठाम चौबिया अवध एक काटना दोपहर को 3:30 के आसपास का टाइम जब आता है ना, और तब उससे पहले पानी नहीं, बाद में भी पानी नहीं, भोजन के समय भी वैसे होती सके वो पानी पीना, एकाशना करना, रसोई स्वयं करना, बहुत सारे नियम उनके जीवन में थे। अखबार पढ़ते नहीं थे, लाइट का बटन चालू करते नहीं थे, और कम से कम कितनी बार 10,000 बार हरिहन हरिहन रोज बोलते। उन्होंने कहा अंतिम समय में भी भगवान का स्मरण हो ऐसा हम चाहते हैं तो उसका अभ्यास अभी से शुरू करना चाहिए, तो अंतिम समय में भगवान याद आएंगे, नहीं तो फिर कोई भगवान दास कोई मोची को दूसरा कोई ना कोई याद आएगा भगवान का नाम। अभी से अभ्यास करो तो 10,000 बार रोज हरिहन 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 बोलते थे। हिंदुओं में भी एक दृष्टांत आता है, संत नामदेव हो गए ना महाराष्ट्र के संत नामदेव, उसका उदाहरण भी पहले आपको दिया है संत नामदेव का, पहले डाकू थे उसमें से कैसे संत बन गए। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी ना उनका नाम क्या था मालूम है किसी को? जनाबाई नाम था, जनाबाई। वो क्या करती थी, गाय भैंस वगैरह का गोबर होता है ना, गोबर से वो ईंधन के लिए क्या बनाते हैं छाना, गुजराती में छाना बोले तो, क्या बोलते हिंदी में जो गोबरी वो बनाती थी, और मेरे ख्याल से हो सकता है कि उसका बेच करके उसे पेट गुजरा उसका होता था। तो लेकिन ऐसा हुआ तो उसके जो गोबर बनाती थी और कोई कभी न कभी रात को चोरी हो जाती था, अच्छा एक आदमी लोग रोज रोज हो जाता था, तो कहीं पर शिकायत करनी पड़ी होगी भाई ऐसा होता है। फिर लोगों ने कहा पता कैसे चलाएंगे कि आपके क्या बोले वो कौन है और दूसरे कौन है पता कैसे चलेगा। तो जनाबी ने क्या कहा, मैं पूरे दिन में जो भी काम करती रहती हूँ, घर का काम भी हो या गोबरी बनाना इसका भी काम खाना, इसमें मैं प्रभु का नाम स्मरण करते 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 बनाती हूँ। वो भगवान के तो हजारों नाम है, किसी नाम से उसको पुकारो वहां पहुंच जाता है। तो वो कौन सा नाम से पुकारती थी, विठल विठला विठल 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 जपना, इस प्रकार से विठल विठल करती रहती थी। तो कोई राम कोई हरिहर कोई आदिनाथ कोई पारसनाथ कोई शांतिनाथ, किसी भी नाम से बुलाओ आपका भाव होगा वो पहुंच जाएगा, वो परम तत्व वास्तव में तो मूल एक है, हजारों लाखों नाम उसके हैं, हमारी भावना सच्ची होनी चाहिए। तो विठल 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 करती थी, तो बोले कि मेरे जो गोबर होगा ना जो छाना उसमें उसमें से आप सुनना उसमें विठल विठल का नाम आए तो समझना वो मेरे हैं। और सचमुच ऐसा हुआ, जिसके ऊपर थोड़ा शक होगा हाँ उसके मंगाए और देखा तो कुछ कुछ जो छाने थे उसमें से ये विठल 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 का नाम सुनाई दे रहा था। इतना प्रभाव होता है। हमारे यहाँ भी दृष्टांत आते हैं, चंदन बाला और सैनिक महाराजा, सैनिक महाराजा के तो बाल में से भी अने बाल में से द्रौपदी के उनके तो हड्डियों में से उनका अग्नि संस्कार जाने के बाद उनकी हड्डियों में से भी वीर 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 ध्वनि सुनाई देती थी। चंदन बाला को भी जब मूला शिक्षाणी ने जो उपसर्ग किया तब भी 3 दिन रोई नहीं चिल्लाई नहीं बचाओ छुड़ाओ दरवाजा खोलो कुछ नहीं किया, वीर 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 के नाम स्मरण, कितनी नाम स्मरण ताकत थी। भगवान महावीर स्वामी को भी आना पड़ा 5 महीने के 25 दिन के उपवास के बाद,
और सारी शर्तें पूरी थी, केवल एक कमी क्या थी, आंसू की कमी की। भगवान पीछे लौट रहे थे, देख करके उनकी आंख में भी आंसू आए, भगवान को वापिस आना पड़ा। और ऐसे भगवान के महान अभिग्रह का पारणा करवाने का महान लाभ चंदन माला को मिला। तो प्रभु के नाम स्मरण में कितनी ताकत है। मीराबाई भी श्री कृष्ण के वो भक्ति करती थी, उनके उनका नाम स्मरण करती थी। तो राणा ने जहर का प्याला भिजवाया था उसको मारने के लिए, वो जहर भी क्या बन गया, अमृत में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया। हाँ, भगवान को किसी स्वरूप में किसी नाम से भी पुकारो, भक्ति करो, तो उसका प्रभाव प्रतिभाव अवश्य में रहता ही है। नरसिंह मेहता उसकी भी हुंडी, हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सामड़ा गिरधारी। कुंवर बाई का मामेरा वो भी पूर्ण हुआ, वो प्रार्थना का ही प्रभाव है। ऐसे तो कई कई उदाहरण है हमारे यहाँ भी, जैन शासन में भी कितने कितने विशिष्ट कोटि के प्रभु भक्त हो गए। कई संघों में जैन शासन के चारों फिरकों का मान्य ऐसा एक ग्रंथ और एक ऐसा स्तोत्र है। वो ग्रंथ कौन सा है, सीताम्बर दिगंबर तेरा मंदिर था न कवि तत्वार्थाधिगम सूत्र, चारों समुदाय मानते हैं। अच्छा वो स्तोत्र कौन सा है जिसको सभी मानते हैं, भक्तामर, वो भी भगवान की प्रार्थना और भक्ति का प्रभाव बताता है। 44 या 48 जो भी हो, दो संख्या बेड़िया बंदी की लोहे की श्रृंखलाएं बंदी की शरीर में, और कितने रूम के अंदर रूम, उसके अंदर रूम, जब ताले लगाए गए थे, एक एक भक्ति हृदय से उन्होंने की। ऐसी स्थिति में भी कोई रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, आर्त ध्यान नहीं किया, भगवान की भक्ति की। और भक्तावर स्तोत्र में भी कोई ऐसी गाथा नहीं आती है जिसमें प्रार्थना की भगवान मेरे ये बंधन छुड़ा दो, ऐसा नहीं। फिर भी निष्काम भक्ति, भक्ति कैसी करनी चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए, कोई कामना नहीं, भगवान के गुणों से प्रभावित होकर के भगवान के उपकारों को याद करते हुए बस उनका स्मरण और भक्ति वगैरह करनी चाहिए, निष्काम भक्ति, इससे जल्दी मोक्ष मिलता है। ऐसे भक्ति के पांच प्रकार बताए गए हैं हमारे गुरुदेव ने, जो स्तवन 24 बनाई है ना, उसमें अनंतनाथ भगवान 14 है। उनका स्तवन किसी को आता है, अनंतनाथ आप बिना कौन तार से, भगवान तुम भक्ति न करे तिहार से, भक्ति से पंच भेद जिन जलाडी वगैरह। उसमें आगे चलकर भगवान की भक्ति के पांच प्रकार, भगवान की भक्ति यानी कोई भी धर्म अनुष्ठान हो, भक्ति हो कि कोई भी धर्म अनुष्ठान हो, उसके पांच प्रकार बताए हैं, जिसमें से पहले तीन प्रकार ऐसे हैं जो ही माने नहीं करने योग्य हैं, पिछले दो प्रकार वो करने योग्य हैं। तो आप कोई बताएंगे उनका नाम, एक आध नाम। पहला है विष क्रिया, भक्ति की क्रिया हो बोले विष क्रिया कहते हैं, विष माने जहर, तत्काल जो खत्म करे ऐसा जहर भक्ति, और वो भी विषैली भक्ति हो सकती है क्या, वो भी शक्ति है, कैसी हो सकती है सुनो। एक व्यक्ति गया संकेश्वर, खत्म किया भगवान, ऐसे तो समुश्री को भी मैं एकासना भी नहीं करता हूं, लेकिन आज मैंने तेला किया किसी तरह, क्यों किया है, शादी हुए 5-10 साल हो गए अभी तक संतान नहीं हुई है, इस लक्ष्य से वो भक्ति किया। इस लोक के भौतिक सुखों की कामना से जो भक्ति की जाती है वो विष क्रिया। दूधपाक का तपेला बड़ा हो लेकिन 2-4 बूंद भी जहर की उसमें पड़ गई हो किसी प्रकार से, तो फिर वो पूरा अपेय अभक्ष हो जाता है। इसी प्रकार से भक्ति तो समझो कि दूधपाक का प्याला समझो भाई खड़ाया, लेकिन इस लोक के भौतिक सुखों की कामना से करते हैं तो वो इस लोक की भौतिक सुखों की कामना वो जहर के समान है, इसके कारण से वो पूरी भक्ति भी विषैली हो जाती है। और दूसरा है करल क्रिया, परलोक सर्व भावना ये भक्ति जे करे ते भक्ति घर क्रिया कही एकी ते न तरे। इस लोक में नहीं, परलोक में मैं राजा बनूं, चक्रवर्ती बनूं, देवता बनूं, इंद्र बनूं, सेठ बनूं, ऐसी कोई परलोक के भौतिक सांसारिक सुखों की कामना से जो भक्ति की जाती है वो गरल माने धीमा जहर, फ्लो पॉइजन, तुरंत नहीं मारता, धीरे 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 शक्ति को क्षीण करता जाता है।
तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो तीसरा प्रकार क्या है, सम्मूर्छिन क्रिया अथवा तो अन अनुष्ठान भी बोलते हैं। अन सम्मूर्छिन माने सम्मूर्छिन जीव किसको कहते हैं, जिनको मन नहीं होता है। ये जीव जंतु छोटे छोटे होते हैं, उनको मन विशिष्ट मन नहीं होता है, जो चिंतन कर सके, विचार कर सके, भूतकाल भविष्यकाल का, वो केवल वर्तमान है बस दिखते हैं। तो ऐसे दिगर मन से जो भक्ति करते हैं, शरीर से भक्ति की क्रिया करते हैं, लेकिन मन तो कर ऊपर तो माला फिरती जीव फिरे मुख माही, और चितणु तो नहीं आता, चितणु तो पहले ऐसे कहा चिहू दिशी डोले, चार दिशाओं में हमने थोड़ा चेंज किया है, चितणु तो दस दिशी डोले, चार दिशा चार विदिशा ऊपर और नीचे दस हो गई ना, चितणु तो दस दिशी डोले इन्हें भजने सुख नाही। तो जो जब जो अनुष्ठान कर रहे हैं भक्ति का, उस वक्त उसी में पूरा मन लगाना चाहिए। मन भले चंचल है, अनादिकाल के बहिर्मुखता के संस्कार है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा भाग भी जाए, लेकिन वो हमको खटकना चाहिए, जैसा ख्याल में आया तुरंत मन को जोड़ना चाहिए वापिस। इस प्रकार से सम्मूर्छिन क्रिया माने मन कहीं भटकता है, शरीर से केवल करते हैं तो उससे विशिष्ट ज्यादा फल नहीं मिलेगा। ठीक है, शरीर से अच्छी क्रिया करते हैं थोड़ा बहुत पुण्य बंधेगा, लेकिन विशिष्ट फल चाहिए, परम आनंद का अनुभव, चित्त की प्रसन्नता का अनुभव इसी जन्म में और तुरंत करना है तो उसके लिए तो हमारा उपयोग, हमारा ध्यान, हमारा चित्त उसमें जुड़ना चाहिए। तो ऐसे भटकते चित्त से बिल्कुल करते हैं वो सम्मूर्छिन क्रिया कही जाती है, अथवा अन अनुष्ठान, वो अनुष्ठान किया वो न किए बरोबर तो अन अनुष्ठान। तो ये तीन हेय नहीं करना है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं भी मन भटकता है तो करना ही नहीं, करना ही है, लेकिन मन को वापिस जोड़ना का बार 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 पुरुषार्थ करना है। चौथा प्रकार है तद हेतु, हेतु माने कारण। पांचवा पहला ले रहे अमृतानुष्ठान, अमृत दशा, जिस आत्मा को अमर बना दे, हमेशा के लिए जन्म मरण से छुड़ा दे, मोक्ष को मिला दे, ऐसा जो अनुष्ठान, ऐसी जो भक्ति जिसमें मन वचन काया तन्मय होते हैं, जिसके गर्भ में वैराग्य संसार की उदासीनता होती है, इस लोक या परलोक के कोई भक्ति सुखों की कामना नहीं होती है, केवल मोक्ष की भावना अथवा तो कर्म निजरा आत्मशुद्धि का ही लक्ष्य होता है। तो उस प्रकार एकदम तन्मय भाव से वैराग्यवासित होकर के, अभी गदगद भाव से, भाव विभोर होकर के, अत्यंत अहो भाव से, आंखों में हर्ष के आंसू आ जाए, शरीर से रोमराजी विकसर हो जाए, इस प्रकार से जो निष्काम भक्ति की जाती है वो अमृता अनुष्ठान है। उसका कारण अभी वैसी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन वो लक्ष्य ऐसा है कि मुझे ऐसा करना है, इस लोक या परलोक का कोई लक्ष्य नहीं है, और मोक्ष का ही लक्ष्य है, आत्मशुद्धि का ही लक्ष्य है, और चित्त बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है भले, लेकिन लक्ष्य तो वही है। तो तद हेतु अनुष्ठान, उसका कारण, अमृत अनुष्ठान का कारण कहो, मोक्ष का भी कारण कह सकते हैं। तो पांच प्रकार में पिछले जो दो हैं वो उपादेय माने करने योग्य है, स्वीकारने योग्य है, आगे के तीन जो है निष्क्रिया घृल क्रिया और समुचित क्रिया वो त्याज्य है। तो निष्काम भक्ति करें अथवा तो भक्ति करें तो बस भगवान बस आपके जैसे गुण मेरे में प्रकट हो, ज्यादा से ज्यादा ये मान सकते हैं, अथवा तो कर्म की निजरा हो, आत्मा की शुद्धि हो, आपकी कोई दूसरा लक्ष्य न हो, इस प्रकार से भगवान की भक्ति करेंगे तो वो उत्कृष्ट भक्ति हो सकेगी। ऐसा है ना, शिवपाल राजा के राज चरित्र में आता है कि वो उम्बर राणा शिवपाल जी था, जो वो आ गया है वापिस पूरा सब परदेश घूम करके, लेकिन राजा को लगा कौन जाने अपना विशाल सैन्य लेकर के आया है, क्योंकि जहां जहां जाता था वो सब राजकन्याओं से शादी होती थी और उनका सैन्य भी मिलता था, विशाल सैन्य लेकर के वापिस आया है अपनी उज्जैनी नगरी में चार। तो उसके राजा ने सोचा कि लोग दुश्मन राजा आया है, हाँ, तो उसने पूरे दरवाजे सब नगर के बंद कर दिए हैं, और शिवपाल की माता को ये समाचार मिला तो चिंतित होने लगी। उस वक्त मैणा सुंदरी ने क्या कहा, माता जी चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, आपका बेटा जल्द से जल्द आना ही चाहिए। बेटा तुझे पता कैसे चला, कोई अवधि ज्ञान हुआ है,
कोई ऐसा ज्योतिष सिद्धांत तो जी है ही नहीं, तो कैसे पता चला? तो मैना सिंह ने क्या जवाब दिया, आज भगवान की भक्ति करते हुए मुझे ऐसा 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 उत्तम भाव आया, अमृता अनुष्ठान के लक्षण जो शास्त्र में आते हैं, हर्ष के आंसू, रोमराजी एकस्वर, प्रपूर्व आनंद का अनुभव, इतना अनुभव उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, अभी अभी भी उसका स्वाद मुझे आ रहा है, घर पे आ गई हूँ तो भी। इसीलिए मुझे लगता है कि आपके बेटे आज ही आने ही चाहिए। और वैसा अभी वाक्य पूरा किया नहीं किया, और इधर से उम्बर राणा सिपाल ने आवाज दी, माता जी दरवाजा द्वार खोलो, मैं आ गया आपका बेटा। तो अमृतानुष्ठान ऐसा होता है, तुरंत फल लेने वाला होता है। ये तो बाह्य फल है भले, लेकिन मोक्ष का अनुभव होता है यहीं पर। मोक्ष तो भले शरीर छूटेगा, उसके बाद जब होगा तो होगा, लेकिन यहीं पर विशिष्ट अमृतानुष्ठान होता है तो विश्व मोक्ष की सुख का थोड़ा स्वाद यहीं पर मिलता है। ऐसी निष्काम भक्ति हमें करनी है। तो ये सब महापुरुष जो हो गए ना, सुलसा, शालिका, चंदन, बाला, सैनिक, महाराजा वगैरह वगैरह, ऐसे अमृत अनुष्ठान जैसी भक्ति करने वाले महापुरुष थे। तो किसी ने उसी भाव में मोक्ष पाया, तो किसी ने मोक्ष का रिजर्वेशन करा लिया, सुलसा शालिका तीर्थंकर नाम कर्म उत्पादन कर लिया भगवान की विशिष्ट भक्ति से। और रावण जैसा, रावण आप जानते हैं जिसके पुतले जलाते, अज्ञानता के कारण जो नहीं करना चाहिए, लेकिन अज्ञानता के कारण लोग आज के पुतले जलाते हैं, लेकिन आज रावण राम बनना तो बहुत मुश्किल है, रावण भी बनना कहां आसान है। रावण ने भी प्रतिज्ञा ली थी, जब तक जब उसको पता चला केवली भगवान के मुख से, प्रश्न किया मेरे मृत्यु कैसे होगी, केवली भगवान ने कहा वरस्त्री के निमित्त से मृत्यु होगी। रावण चौंक गए, कांप गए, उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली जब तक वरस्त्री इच्छे रही तक मैं उसके ऊपर बलात्कार नहीं करूंगा, और उस प्रतिज्ञा का पालन अंतिम समय तक किया। सीता का किडना अपहरण भले किया, लेकिन बलात्कार नहीं किया, ये प्रतिज्ञा में इतने तो कर सकता था। रंग काले कौन पूछने वाला था, वो तो सर्वे सर्वा था, जब भी ताकत वाला था कर सकता था, लेकिन नहीं किया, प्रतिज्ञा से उठा इतना बच गया। तो ये भी इतने ऐसे कितने मिले जाता, हाँ जरा सा निमित्त मिला कि वहां फिसल जाते हैं तुरंत, जबकि इतना होने पर भी रावण अपनी प्रतिज्ञा में फिर रहे। और जब अष्टापद जी महातीर्थ के ऊपर भगवान की भक्ति करते थे, उनके राजमहल में भी मनीष भगवान का मंदिर था, हर रोज उसमें पूजा सेवा भक्ति बड़े भाव से और ठाक से करते थे। और जब अष्टापद तीर्थ के ऊपर एक दिन भक्ति करते, रावण और मंदोदरी दोनों ही थे सजोड़े, दूसरा कोई उस वक्त नहीं था समझो, तो मंदोदरी अत्यंत भक्ति भाव विभोर होकर के नृत्य कर रही है, और रावण क्या बजाते थे, वीणा बजाते थे, और अचानक क्या हो गया, उसकी भक्ति को लेकर के वीणा को भी ईर्ष्या हुई समझ लो, अपना उसका चार टूट गया। तो रंग में भंग न पड़े, भक्ति के रंग में, नृत्य के रंग में, इसीलिए तुरंत क्या किया, अपनी लघु लघु लागवी कड़ा ऐसी थी उसके पास, पति वासुदेव थे, अपनी जांग में से रस खींच ली, तुरंत उसमें रोड़ ली, ऐसी विशिष्ट भक्ति, इतना देहाध्यास उसका कम हो गया था भगवान की भक्ति के प्रभाव से। तो क्या हुआ, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया है, और उनकी ऐसी भक्ति देख करके उस समय धर्मेंद्र भी वहां उपस्थित हुए थे, वो बाहर ही ठहर गए बाहर के रमंड में पीछे, आगे वो प्रणय अपना रावण और मंदोदरी का चालू है। उनके रंग में भंग न पड़े, विक्षेप न पड़े, देखो अभी व्याख्यान चलता है और देरी से कोई आते हैं तो सबकी नजर वहां जाती है ना, तो ये भी ख्याल रखना चाहिए, समय पर आ जाना चाहिए ताकि फिर दूसरे का ध्यान भंग न हो। तो विवेकी थे वो इंद्र महाराजा, धर्मेंद्र जो पीछे शांत खड़े रह गए, और जब उनकी भक्ति समाप्त हुई बाहर आए, जब उनको धन्यवाद दिया, अनुमोदना की, धन्य है आपकी ऐसी प्रभु भक्ति को, और मांगो मांगो भगवान तो भीतर आ गए, लेकिन मैं उनका सेवक प्रसन्न हो गया हूं, आपको जो चाहिए वो मांग लो। तो रावण ने ऐसा मांगा कि जो ऐसा करो, सीता को मना लो, मानती नहीं है कभी की, ऐसे आपकी को दैवी शक्ति से करो, उनके विचार पलट दो, ऐसा मांगा नहीं मांगा। अच्छा दूसरा कुछ भी कुछ नहीं मांगा, ऐसा भगवान मिले, उनकी भक्ति मिली, और क्या चाहिए,
कि मैं कुछ मांगू। ऐसा ही हुआ था उस देवपाल नाम का चरवाहा ग्वाला भरवाड़ जिसको बोलते हैं गुजराती में, उसके सेठ विशिष्ट प्रभु भक्त थे और वो सेठ की भक्ति भी अक्सर वो देखा करता था। एक बार वो पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदी में गया है, नदी के पास वहां की वो जो क्या बोलते मिट्टी की दीवार वो थोड़ी बेखड़ जिसको गुजराती में कहते हैं वो गिर गई, उसमें से क्या निकला आदिनाथ भगवान का बिंब निकला। उसको देखकर वो खुशी से नाच उठा, ओ हो मुझे भगवान मिल गए, मुझे मूर्ति मिली। ऐसा नहीं सोचा क्या मिले, हूँ धन्य छू पुण्यशाली छू मुझे मनुष्य जन्म सफल थयु कण लोक नाथ मल्या मने सदभाग्य मुझे उगड़ी गयु मुझे धन्य दिन पावन प्रहर गड़ी पर पवित्र छे आजना कण जगत ना उद्धार कर जिन पाम्यो दर्शन आपना। हमारे गुरुदेव जी की रचना है, कितने सुंदर विशिष्ट भाव है इसमें भक्ति के। तो वो हर रोज उसने क्या किया, मेरे भगवान मुझे मिले हैं तो अब तो मैं उसकी मैं ही भक्ति करूंगा। तो क्या किया, नदी के सामने उधर एक देवकुली का बना ही मिट्टी वगैरह से बना ली छोटी सी देवकुली का, उसमें विराजमान किया और नदी के पानी पत्तों में नदी कलश कहां से लाए, सोने चांदी के जर्मन सीडर के कलश, तो नदी के पेड़ के पत्ते को ऐसा बना करके उसमें पानी रख करके वो भगवान का अभिषेक करता था। जंगल में जो फूल मिला गुलाब और कमल तो कहां से मिलेंगे, जो भी मिला वो फूल चढ़ाता था और संकल्प किया जब तक भगवान का दर्शन पूजन न करूं तब तक मुंह में कुछ भी डालूंगा नहीं। कुदरत ने कसौटी की, 7 दिन अहोरात्र मुसलधार बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई, वो तैर करके सामने किनारे जा नहीं सका। तो अपनी संकल्प में कुछ परावर्तन किया, परिवर्तन नहीं किया, यानी तो हाथ जोड़ करके आपकी तरह वो पछता नहीं किया था उसने, तो अपने मन से ही धारणा संकल्प किया था, उसको भी वो वफादार रहता है। 7 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, और जब फिर 8वें दिन पानी बारिश बंद हुई, पानी पूर कम हुआ, फिर तैरते हुए सामने का किनारे गया और तब भी क्या हुआ, सामने पास में क्या बैठता, वो शेर लायन बैठा था। जय नाम, शेर आया, घबराता नहीं है, शेर से भय नहीं लगता तुझको, वाह भागी। सुनो, तो हम होते तो पीछे भागते मुट्ठी जोर रहे हो मम्मी, और किसी किसी को तो कपड़े भी गीले हो जाते शेर को देख करके। लेकिन ये देवपा देखो भगवान का भक्त कैसा है, शेर को देखा जैसे न देखा हो ऐसा समझ लो, देखा था फिर भी न देखा हो ऐसा करते हुए वो भगवान की देवकुलिका की आगे लेट गया साष्टांग। और रोते हुए भगवान को क्या कहा, है भगवान मैं मेरे पूर्व जन्म में कोई पाप किए हो और उसके फल के लिए मुझे 27 दिन भूखा रहना पड़ेगा, वो चलेगा, लेकिन आपकी भक्ति बिना मेरा एक भी दिन गुजराती में जो वांझिया निष्फल नहीं जाना चाहिए, ऐसे रोते हुए प्रार्थना करता है। और फिर जब वो बाहर निकलता है तो देखा कि वो शेर तो छूमंतर अदृश्य हो गया था, शेर की जगह पे कौन थे, चक्रेश्वरी देवी थे। आदिनाथ भगवान की अधिष्ठाई का देवी कौन है, चक्रेश्वरी देवी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए शेर का रूप बनाया था खुद का। ऐसी भक्ति देकर के प्रसन्न हुई और कहा, देवपाल तेरी ऐसी निष्काम प्रभु भक्ति विशिष्ट प्रभु भक्ति देकर के मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ, मांगे शो देती हूँ। तो देवपाल ने क्या मांगा, वो तो गरीब था, ग्वाला चरवा था, रोज कमाए रोज खाए, कोई बैंक बैलेंस बैंक तो थी उस जमाने में, तो क्या मांगा होगा, बंगला मिल जाए, मोटर मिल जाए, नहीं करोड़ रुपये 10 करोड़ रुपये मिल जाए, और क्या मांगा होगा, आप क्या मांगेंगे बोलो तो। शीतलनाथ भगवान की अधिष्ठाई का देवी कौन है, देवी कौन है, ब्रह्म यक्ष और अशोका यक्षिणी, और साथ में पद्मावती माता भी विराजमान है, महालक्ष्मी भी वास्तव में विराजमान किया है, वो प्रसन्न हो जाए और कुछ वरदान मांगने को कहे तो क्या मांगेंगे बोलो, मम्मी को पूछेंगे, पापा को, दादा को पूछेंगे, क्या मांगेंगे कि भगवान मेरी परीक्षा में मुझे पहला पास करवा देना, क्यों देखो ये देवपाल गरीब वाला है फिर भी कितने भगवान की भक्ति का ये प्रभाव है, इतना जीव निष्प्रिय हो जाता है, भक्ति में इतना आनंद आता है ना,
तो फिर ये संसार की नाशवंत नश्वर चीजों के मांगने की इच्छा ही नहीं होती है। तो उसने ऐसा कोई नहीं मांगा कि मुझे मेल बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, कुछ नहीं मांगा। तो उसने क्या कहा, भगवान मिल गए हैं मुझे, इससे जान बढ़िया कौन है, क्या होता जो भी मांगू। भगवान का मुझे मिल गए, आदिनाथ दादा मिल गए हैं, मूर्ति नहीं समझता था, साक्षात भगवान के रूप में देखता था। हाँ, इससे और बढ़कर क्या है कि जो मैं मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो देर और अधिक प्रसन्न होते हैं उनकी निष्क्रियता देख करके। मांग मांग करते हैं तो नहीं मिलता है जल्दी, निष्प्रिय हो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो वो सामने से मिलता है। ऐसा है, कवि ने कहा था, कविता में हम पढ़ते थे स्कूल में, तो अरे प्रारब्ध, प्राय कवि कलापी की शायद थी वो, अरे प्रारब्ध तो घेलू रहे छे दूर, मांगे तो न मांगे दौड़ तुम्हारे, भरोसे ना करी रहे जे गुजारे जे सिरे तारे, जगत नो नाथ ते सहजे, घणियों जे प्यारू प्यारा है अति प्यारू घनी ले जे। ऐसा है हमारा प्रारब्ध, लक नसीब मांगते हैं भी। उखाना भी पहले पूछा था ना, लग लग तो नहीं लगता है, मत लग मत लग तो लग जाता है, वो क्या लॉटरी, आपने लगो लगो तो नहीं लगते हैं आपको, मत लगो तो लगे बिना रहते ही नहीं है। बरोबर ना, मत लग बोलेंगे तो लग जाएंगे, लगो लगो नहीं लगते हैं, ऐसा है। तो देवपाल कुछ नहीं मानता है, भगवान मिल गए फिर भी देवी आग्रह करती है, देव दर्शन निष्फल नहीं जाते, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो कहा चलो भगवान की भक्त नहीं मुक्ति पहले मांगे, चलो मोक्ष दे सकती है देवी, सत्यश्वरी हो या पद्मावती हो या माँ लक्ष्मी हो, कोई भी हो, क्योंकि वो खुद अभी कर्मों के बंधन में जकड़ी हुई है, उनका भी परिभ्रमण कुछ बाकी है, तो खुद जो बंधन में बंधा हो दूसरों को मुक्त कर सकता है, नहीं कर सकता है। दूसरा कुछ मांगो, तो फिर कहा चलो मुक्ति नहीं दे सकती है, तो जब तक मुक्ति न मिले तब तक प्रत्येक भाव में भगवान की भक्ति मिले, ऐसा आशीर्वाद वरदान दो। तो देवी ने क्या कहा, ये भी मेरे बस की बात नहीं है, और तुम ऐसी भक्ति करते हो इसके संस्कार के कारण अपने आप भक्ति तो मिलने वाली है, उसके लिए मेरा मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। दूसरा कुछ मांगो, मुक्ति और भक्ति ये दोनों में से कुछ भी देना, ये तो मेरी शक्ति बाहर की बात है। तब देवपाल जैसा अनपढ़ ग्वाला, उसने भी कैसा खुमारी जवाब दिया कि हे माता जी, अगर मुक्ति अथवा भगवान की भक्ति दोनों में से कुछ भी देना, ये आपके शक्ति बाहर की बात है, तो इन दोनों के अलावा तीसरा कुछ मांगना वो मेरी भक्ति बाहर की बात है। ये आपका सौदा नहीं है भक्ति। अपन तो चला थोड़ा चोखा चढ़ाया, कभी एक सीपल रखा, और मांगते तो कितना मांग लेते हैं भगवान से। ऐसा व्यापारीकरण भक्ति का नहीं होना चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। उसने कहा ये तो मेरी भक्ति बार की बात है। तो देवी और अधिक प्रसन्न हुई, और अधिक ज्ञान से उनका भविष्य देखते हुए उन्होंने कहा कि देवपाल आज से सातवें दिन तो इस नगरी के क्या बनोगे, राजा बनोगे। और तभी वो खुश नहीं हुआ, राजा बनूंगा, हाँ मैं राजा बनूंगा, खुशी नहीं, सुना अनसुना कर दिया। और जब भी मेरा जैसा कोई काम हो, कोई सेवा कार्य हो, तो मुझे याद करना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी। और फिर आगे जानते हैं क्या, किसको को मालूम है ये दृष्टांत, आगे आगे क्या हुआ नहीं मालूम, नहीं मालूम, ओहो सुनो सुनो। तो आगे ऐसा हुआ, उस नगरी का राजा सातवें दिन उसकी आयु समाप्त हो गई, मर गया था राजा। उस जमाने में ऐसी परंपरा थी कि राजा जब मर जाता है तो जो नया राजा, उसके लिए क्या किया जाता था, एक विशिष्ट हथिनी, हथिनी होती थी, देवता अधिष्ठित होती थी, उसकी सोन में कलश दिया जाता था, वो जिसके ऊपर कलश का अभिषेक करे उसको राजा, फिर वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो ऐसा हो रहा था, सारे लोग हाँ हथिनी के आगे आकर के सिर झुकाते, मेरे ऊपर जब वो देवता लोग आते, हमको वोट देना, हमको वोट देना, हमको वोट देना, लेकिन हथिनी ने किसी के सिर पे नहीं किया अभिषेक। फिर नगर के बाहर गई, एक तालाब या सरोवर जैसा था, उसकी पाली के ऊपर एक वृक्ष के नीचे वो एक आदमी सोया हुआ था, उसके ऊपर जाकर के अभिषेक कर दिया। तो आदमी कौन होगा, देवपाल भरवा, देखो
हाँ, ये भगवान की भक्ति से देखो कैसा पुण्य, विशिष्ट कोटि का पुण्यानुबंधी पुण्योपालन होता है। भक्ति की शक्ति देखो, प्रार्थना का प्रभाव देखो, क्या हुआ यो देवपाल, हाँ पंच दिव्य प्रकट हुए, देवकाल को राजा की तरह जाहिरात की गई, बहुत बहुमान से गाजे बाजे के साथ अतिन के ऊपर बिठा करके उसको नगर प्रवेश कराया गया, उसका राज्याभिषेक किया गया। हाँ, लेकिन लोगों को जब पता चला कि ये तो ग्वाला चरवाला है, अंगूठा छापा है, इसको क्या पता राज्य कैसे चलाना चाहिए, तो कुछ लोग मंत्री वगैरह कुछ लोग ऐसा सोचने लगे कि चलो अपने इसका राज्य हड़प ले में, और उनकी आज्ञा का कोई पालन भी ठीक से नहीं करते हैं। अब राज्य चलाना है और लोग आज्ञा मानेंगे तो कैसे चलेगा फिर, तो वो गया भगवान के पास, चक्रेश्वरी को याद नहीं किया, भगवान के पास ही गया। हाँ, रोना हो तो भगवान के आगे रो, हाँ दुनिया में किसी के आगे मत रोना, भगवान के सामने रो भी सकते हो। तो भगवान को कहा ये भगवान, हाँ मैं सिंगल एक कड़े एक और बगड़े में अकेला मैं था, कितना निश्चिंत होकर जाती भक्ति करता था, आपने ये गले में मेरे गांठ बांध दिया राज्य का एक बड़ा। तो उसी वक्त बिना याद किए चक्रेश्वरी देवी हाजिर हो गई, भगवान को याद कर रहे थे, भगवान के सामने बोल रहे थे, हाँ लेकिन अपने आप देखो चक्रेश्वरी देवी प्रकट हो गई। क्या देवपाल, चिंता मत करो, ऐसा करो तुम लकड़ी का या मिट्टी का हाथी बनाओ, उसके ऊपर बैठना, फिर देखना क्या होता है। उसने ऐसा किया, दैवी प्रभाव से वो लकड़ी या मिट्टी का हाथी बाजार में से चलने लगा, सच्चे हाथी की तरह चलने लगा, दैवी प्रभाव से चलने लगा, लोग चकित हो गए, अरे बाप रे तो कोई देवी शाह है, अब इसका नहीं मानेंगे तो हम वो देव हम तो देवी शिक्षा करेगी। सब सीधे हो गए, सब उसकी आज्ञा तहती, जी हुजूर सलाम सलाम करने लगे, सब आज्ञा पालन करने लगे। तो जो सत्ता मिली संपत्ति मिली इसका भी कैसा सदुपयोग किया, सैकड़ों हजारों जिन मंदिर अपने राज्य में गांव गांव में जिन मंदिरों से पृथ्वी को अलंकृत किया, और यथा राजा तथा प्रजा, राजा जब भगवान की ऐसी भक्ति करता है तो अपने आप प्रजा के लोग भी भगवान की विशिष्ट भक्ति करने लग गए। इस प्रकार से भगवान की विशिष्ट निष्काम भक्ति से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया। अनपढ़ ग्वाला था, देखो भक्ति की शक्ति कैसी है, तीर्थंकर बन करके वो मोक्षगामी बनते हैं। तो ऐसे तो अनेक अनेक उदाहरण और भी कई हैं, इसीलिए आपने को यही विषय कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, टू बी कंटिन्यूड। कल भी हमें इसी विषय में आगे अनेक अनेक दृष्टांतों के साथ भक्ति की शक्ति या महिमा क्या है, प्रार्थना का प्रभाव कैसा अद्भुत और अचिंत्य है, ये सुनने के लिए कल भी टाइम बिफोर टाइम आ जाए। कुछ लोग थोड़ा भले आपके घर के काम होंगे, थोड़ा आगे पीछे करके भी समय पर आने का सभी लक्ष्य रखो, पूरे पूरा सुनो, बीच में से सुनेंगे तो जरा आगे की लिंक फिर छूट जाएगी। गाड़ी चलती है, आग गाड़ी और उस पर बैठने जाते हैं तो कभी पांव फिसल जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए जरा लक्ष्य रखो, हो सके इतना समय पर आकर के पूरे पूरा भाव से बरोबर सुनो कि भगवान की भक्ति और प्रार्थना का कितना अद्भुत अचिंत्य प्रभाव है। वर्तमान काल में भी कैसे कैसे प्रसंग